हाय एवरीवन, डिशेस हब में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल मसाला पनीर, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 250 ग्राम मैंने पनीर लिया है, जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 4 टमाटर का मैंने पेस्ट लिया है। 4 मैंने बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक लीजिए स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लहसुन जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, 1 बड़ा चम्मच मैंने बेसन लिया है, 2 लौंग और 2 इलायची को मैंने दरदरा पीस लिया है, 1 बड़ा चम्मच धनिया की पत्तियां ली हैं, 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी ली है और 1 छोटी चम्मच जीरा लिया है। तो सबसे पहले एक बाउल में हम सारे पनीर के क्यूब्स को डाल देते हैं। उसमें डाल देते हैं गरम मसाला 1/4 चम्मच, नमक 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। और इस सब को डालने के बाद 1 टेबलस्पून के करीब अभी हम इसमें डाल देते हैं नमक और पानी। 1 टेबल स्पून अभी हम इसमें डाल देंगे पानी, और पानी डालने के बाद इसको कर देंगे बहुत ही अच्छे से मिक्स, ताकि सारा मसाला जो पनीर क्यूब्स के साथ अच्छे से लग जाए। तो ऐसे ही मैंने इसे मिक्स कर दिया है। तो अभी हम एक पैन लेंगे, उसमें डाल देंगे ऑयल और इसको गर्म होने पर इसमें डाल देंगे जीरा और इसको हम चटकने तक इसे हम रोस्ट करेंगे। लौंग और इलायची भी डाल देते हैं। तो जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। इसको हम लगभग 1 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। 1 मिनट सॉटे करने के बाद इसमें हम डाल देंगे लहसुन और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक और इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक सॉटे करेंगे, थोड़ा सा, जब तक इसका कलर पिंक ना आ जाए तब तक। तो इसका कलर जो है थोड़ा पिंक आ चुका है और ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी हम इसमें डाल देते हैं काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और डाल देते हैं इसमें कसूरी मेथी और इसको वापस अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसको अच्छे से सॉटे कीजिए। अभी हम इसमें डाल देते हैं बेसन। लोग सभी इसमें डालते हैं काजू का पेस्ट या फिर मलाई, पर हम इसमें बेसन डाल रहे हैं। इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का, बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है। तो इसको 1 मिनट तक इसे सॉटे कीजिए। तो 1 मिनट के बाद अभी हम इसमें डाल देते हैं धनिया की पत्तियां। इसको भी डालने के बाद इसको थोड़ा सॉटे कीजिए। तो मसाला जो है वो रेडी है। अभी हम इसमें डाल देते हैं टमाटो प्यूरी और इसको डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसे मिक्स करने के बाद इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक के रख देंगे। 2 मिनट के बाद इसको वापस हम हिलाएंगे और लगभग 2 मिनट के लिए ही इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे, जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। तो चलाते रहिए, देखिए ये थिक हो चुका है, ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है मसाले ने। तो अभी हम इसमें पनीर के टुकड़े डाल देते हैं जिन पर हमने मसाला लगा के रखा था, और इसमें डाल देते हैं 1 कप के करीब पानी, या ज़रूरत के अनुसार पानी डालिए आप, और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और इसको ढक के रख दीजिए। वापस इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए लो फ्लेम पर। 2 मिनट के बाद इसको मिक्स कीजिए और 1 मिनट के लिए इसको इस तरह से पकाते रहिए। तो इस तरह से मसाला पनीर बिल्कुल तैयार है बनकर। सो आपने देखा ये कितना आसान था और बहुत ही टेस्टी बना है। आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।